हिंदुस्तान न्यूज 24 में मैं हूँ आपके साथ शीतल ठाकुर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए रुक करते आज की कुछ खास सुर्खियों का। बिहार में एक तरफ आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। आशा कार्यकर्ता का धरना प्रदर्शन का 29वां दिन बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार की नींद नहीं खुली है, न ही स्वास्थ्य पदाधिकारियों के द्वारा कोई अमल में लाया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की इसकी प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में बारिश के पानी जमा होने से आम लोगों को अस्पताल में मरीजों का आने जाने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेफर अस्पताल पदाधिकारी बेखबर नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं रेफर अस्पताल की पोल खोलते हुए ये तस्वीरें बयान कर रही है। कोरोना का ही पैसा नहीं दिया गया, हम लोग कोरोना में काम किए कि तुम लोग को पैसा मिलेगा। सब आदमी घर में बैठा था, घर में बैठ के छिप गया, कोरोना डर लेगा। लेकिन आशा दीदी सबको घर घर जा जाकर टीका कराई, सर्वे कराई, सब घर में जाकर के बिना सुरक्षा का सबके घर गई और सर्वे ली, सबको टीकाकरण करवाए। अभी तक कोरोना काल का एक पैसा आशा दीदी को नहीं मिला। और स्वास्थ्य मंत्री, जब हम लोग आज 29 दिन तक हड़ताल में बैठे हुए हैं, कोई स्वास्थ्य मंत्री हम लोग के समझ नहीं आया, न हम लोग का हाल चाल पूछा। आज आशा भूखे प्यासे हम लोग दिन रात एक कर करके सरकार के पास आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि सरकार हम लोग से पूछे, हम लोग को नौ सूत्री मांग को पूरा करे। लेकिन उन लोग को फुर्सत नहीं है, वो लोग एसी में बैठा है, एसी में। इसीलिए उसको क्या मतलब, उसको तनख्वाह मिल रहा, एसी का सुविधा मिल रहा, वोट नहीं देगी पूरे बिहार पूरे। हाँ, आशा दीदी 1000 आबादी पर काम कर रही है, आशा दीदी शोषित हो रही है स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से। तो आशा वोट नहीं देगी क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और एक आशा के समझ उतनी आशा जो 90,000 आशा, 90,000 आशा वोटिंग नहीं करेंगे। मांगे क्या है हम लोगों की? नौ सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांगे हैं हम लोगों को पारितोषिक हटा करके मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो ये 1000 जो सरकार राज्य सरकार दे रही है, 1000 नहीं, उसके बदले हम लोगों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। और जो 60 साल हो जाती है आशा का, उसको इसी तरह से बैठा दिया जाता है। कोई भी स्वास्थ्य कर मतलब हम लोगों ने आज 2005 से ही सरकार स्वास्थ्य विभाग में सहयोग कर रहे हैं, आशा के पद पर सहयोग कर रही है सभी आशा लोग। लेकिन फिर जब 60 साल उसका पूरा हो रहा है तो उसको ऐसे ही बैठा दिया जा रहा है, ना कुछ उसको मतलब ये पैकेज दिया जा रहा है, ना तो ही कोई जैसे होता है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को 10,00,000 रुपया जब लोग ये सेवानिवृत्त। बिहार सरकार तो बोलती है कि हम तो आशा को पूरा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं, हम लोग को ठहरने का व्यवस्था हॉस्पिटल में तो नहीं। आपका स्वास्थ्य मंत्री जो है तेजस्वी यादव, उस पर डंके की चोट भी करते हैं। आशा बहन को जो हम पूरा जहाँ तक सहयोग होता है सारा चीज को माने, ऐसी बात रहती तो आज जो है ना 29 दिनों से हड़ताल जारी नहीं रहता और इतना दिन नहीं चलता हड़ताल। और इतने दिनों से हड़ताल चल रही है फिर भी सरकार काम में अभी तक नहीं जा रहा है, नहीं रंग रही है, नहीं रंग रही है, ना ही कुछ कर रही है, ना ही कुछ सुन रही है। पूरे आशा को जो है ना पूरा कहाँ मिला है, 2019 में घोषणा किया था, अभी तक एक रुपया नहीं मिला, 1000 मिला, कोरोना का ना पैसा मिला। हम लोगों की मांग को पूरी नहीं करेगी ये सरकार, हल हाल में हम लोगों को बदलना पड़ेगा। नहीं जब हम मेरी सरकार जब हम सरकार रही है हम लोग की व्यवस्था का इतना हम लोग सुधार करके काम कर रहे हैं। सरकार तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पूरा हर राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं देख रहे हैं करना बेकार। स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं देख रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग का हम लोग जो है ना सबसे जो है ना मजबूत कड़ी आज आशा है, सबसे जो है ना मजबूत कड़ी आशा है, फिर भी आशा को क्यों नहीं देख रहे? ग्रास रूट पर आशा काम कर रही है आज,